hello everyone welcome to all in inspired corner we are reading second chapter the tsunami from honeydew in last two sessions we read part 1 and part 2 from this chapter in that sessions we read the meaning of word tsunami and its destruction at thailand and some parts of india let us start its third part

और इसमें जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश करो शब्दों और फ्रेजेस के द्वारा आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड और जो शब्द या वर्ड्स फ्रेजेस या वर्ड्स आप बोलोगे आपके टीचर या कोई स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर लिख सकेगा पर आजकल हम कैसे स्टडी कर रहे हैं आजकल हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो देयर इज नो क्लास इन द स्कूल तो आप लोग इस पिक्चर को देखो और इससे जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको आप उसे अपनी कॉपी में लिखो और कैसे लिखने हैं दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट आप कैसे शुरू कर सकते हो काम मतलब शांति है ब्लू सी ब्लू सी दिखाई दे रहा है रोइंड हर्ट्स मतलब जो जो घर है वो रोइंड हो चुके हैं अब आपको देखो फोम वाटर भी दिख रहा है लेट इस्ट थर्ड पार्ट बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो वट वॉज अबाउट अबाउट टू है बिफोर द जेंट वेव स्लैम इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका मतलब भारत और श्रीलंका के कोस्ट जो एरिया थे समुद्र से जो लगते किनारे थे उसमें जैंट वेब्स बहुत बड़ी दानव के आकार के बहुत बड़ी वेव जो लहरें आती होती मतलब पहुंचती उससे पहले ही वाइल्ड जो जंगली और डोमेस्टिक पालतू जानवर थे उनको पता लग चुका था कि क्या होने वाला है दे फ्लड टू सेफ्टी वो सेफ्टी सुरक्षा का के बारे में कर रहे थे काम करते वो सुरक्षित रहना चाह रहे थे क्या कर रहे थे वो सुरक्षा के लिए अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स आई विटनेस होता है आँखों देखी बात की आँखों से देखी बात क्या थी एलिफेंट्स स्क्रीन एंड रेन फॉर द हायर ग्राउंड्स जो एलिफेंट्स थे वो चिंगाड़ रहे थे जोर जोर से गर्ज रहे थे और हायर ग्राउंड जो ऊंचाई वाले ग्राउंड्स थे वहाँ उस तरफ को दौड़ रहे थे डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटडोर और जो डॉग्स थे जो कुत्ते थे चाहे वो पालतू थे चाहे वो बाहर घूमने वाले थे वो सब रेफ्यूज कर रहे थे मना कर रहे थे आउटडोर बाहर घर से बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे वो अंदर ही रहना चाह रहे थे फ्लैम फ्लैमेंगोस अबॉन्डेड देर लो लाइंग ब्रिडिंग एरियाज जो फ्लैमेंगोज थे जो राजंस थे मराल थे वो जो ब्रीड एर ब्रीडिंग एरिया थे जो वहाँ पर प्रजन के जो है वहाँ पर जाने के लिए बना था उनका वो भी वहाँ नहीं जाना चाह रहे थे एंड जो एनिमल्स रॉस्ड इंटू देयर शेल्टर्स और जो चिड़ियाघर में जो एनिमल्स थे वो अपने अपने घरों में अपने अपने जो उनको शेल्टर्स उनके बने हुए थे उसकी तरफ को भाग रहे थे मतलब वो बाहर आ ही नहीं रहे थे अपने अपने शेल्टर्स में जा रहे थे आपने देखा होगा चिड़ियाघर में हर जानवर के पिंजरे में अलग अलग उनके शेल्टर बने होते हैं कुड नॉट बी इंटाइस्ट टू कम बैक आउट इंटाइस्ट होता है मतलब उनको कुछ भी दे रहे थे कुछ भी कर रहे थे वो बाहर आना ही नहीं चाह रहे थे वो कोई भी चीज नहीं लेना चाह रहे थे वो अपने शेल्टर्स में ही रहना चाह रहे थे मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोस्ट सेंस एंड नो द अर्थ Is going to shake. अब बहुत से लोगों का विश्वास है कि जो एनिमल्स होते हैं जानवर होते हैं उनमें छठी इंद्री होती है, तो है जिससे उन्हें पता लग जाता है कि धरती कब पर कब भूकंप आएगा कब वो हिलेगी समर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक अर्थ वाइब्रेशन और जो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे विशेषज्ञ वो बताते हैं कि एनिमल्स को मतलब वो सुन सकते हैं वो फील कर सकते हैं यहाँ तक कि अर्थ की वाइब्रेशन जो अर्थ का हिलना है उसको वो महसूस कर सकते हैं सुन सकते हैं दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलाइज वर्स गोइंग ऑन मतलब कोई भी डिजास्टर कोई भी आपदा इस तरह की अगर धरती पर आती है तो जो एनिमल्स हैं जानवर हैं वो ह्यूमन से मानव से जल्दी उस बात को जान सकते हैं रिलाइज समझ सकते हैं वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स है सिक्स सेंस और नॉट हम इसलिए हमें पूरा ये विश्वास नहीं है हमें ये नहीं पता है कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है बट द फैक्ट इज़ दैट द जेंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पीपल्स इन डजन कंट्रीज बट नॉट मैनी पर ये एक फैक्ट है ये एक सच्चाई है कि जब वो जेंट वेव्स आई थी उस समय जब ये सुनामी आई थी जेंट वेव्स किसके लिए आया है, सुनामी के लिए आया आया तब एक लाख पचास हजार लोग दर्जन दर्जनों देशों में मारे गए थे कहाँ इंडियन ओशंस में मर गए थे परंतु जो एनिमल्स थे उनके मरने की कोई रिपोर्ट नहीं है उनके मरने कोई ये नहीं है कि वो एनिमल्स भी उसमें मरे अलोंग इंडिया कैडलोर कोस्ट वेयर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ट फेलोस गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म इंडिया के जो कडलर कॉस्ट है किनारा है वहाँ पर हजारों लोग मर गए थे पर जो बुफेलोस थी गॉड्स थे डॉग्स थे उनको कुछ भी नहीं हुआ था जो मतलब भैंसें थी बकरियाँ थी डॉग्स उनको कुछ नहीं होता पर हजारों लोग उसमें पैरिस्ट मर गए थे दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका ज होम ऑफ अ वाइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स लेपर्स एंड 130 थर्टी स्पाइसिस ऑफ बर्ड्स अब जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में उस उसमें उस क्या है ऑफ एनिमल्स बहुत तरह किस्मों के एनिमल्स रहते हैं एलिफेंट्स रहते हैं लेपर्ड्स रहते हैं 130 किस्मों के पक्षी रहते हैं सिक्सटी विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पट पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क और जो वहाँ जो पटलांगना बीच था वहाँ पर वहाँ से साठ विजिटर जो आगंतुक थे वो उस पार्क में इनसाइड मर गए थे बट नो एनिमल कार केसेस वर फाउंड पर किसी भी एनिमल की वहाँ पर का शव नहीं मिला था मतलब वहाँ पर उस या जो याला ने, नेशनल पार्क था उसमें जो बीच था के पास पार्क था पतलांगना उसमें साठ जो पर्यटक आए हुए थे वो तो मर गए थे पर कि, किसी कभी भी कोई भी जानवर उसमें नहीं मरा था एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बुफेलोज सिर्फ उसमें दो वाटर बुफेलो ही मरी थी बाकी सब के सब जीवित थे अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क ड ऑब्जर्व थ्री एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतलांगना बीच और एक घंटे पहले जब सुनामी आनी थी तो लोगों ने क्या देखा ऑब्जर्व क्या महसूस किया जो तीन एलिफेंट्स तीन जो हाथी थे वो पतलांगना बीच से भाग रहे थे दूर जा रहे थे पतलांग लंकन जेंटलमैन हु हुस ऑन द कॉस्ट नियर गैलेसेट हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देर डेली रन ऑन द बीच श्रीलंका का एक व्यक्ति क्या बताते हैं कि उनके जो दो कुत्ते थे वो बीच पर मतलब उनको बीच पर हर डेली घूमना बहुत पसंद था पर वो बीच पर दो दोनों कुत्ते नहीं जा रहे थे मतलब वो नहीं जा रहे थे वो वहाँ जाने से रेफ्यूज कर रहे थे दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग और वो दोनों कुत्ते हमेशा उस आउटिंग के लिए वहाँ पर घूमने जाने के लिए हमेशा खुश रहते थे पर वो उस समय कोस्ट समुद्र के, तो के नज़दीक नहीं जा रहे थे बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ और वो उस दिन तो बिल्कुल ही जिस दिन वो वो सुनामी आई थी उस दिन तो उन्होंने बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया जाने से मना ही कर दिया और उन्होंने प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ और उस साथ में उन्होंने उसकी जिंदगी को भी बचा दिया थैंक यू स्टूडेंट